आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप अल्लाह की फजल से हाजिरी की सआदत और बरकतें हासिल कर रहे हैं, हमारी जमात की अजीम कारी बेहतरीन हाफिज जिनकी शख्सियत इलाके वालों के लिए मोहताज तारुफ नहीं, फखरुल कुर्रा शेखुल हुफ्फाज हजरत हाफिजुल कारी मोहम्मद जाबिर हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में एक नहीं हजारों की तादाद में इस्लाम के शहजादों को कुरान अजीम की तालीमात से रोशनास करके उनके सीनों को इश्क रसूल का मदीना बना दिया। अल्लाह पाक उनकी तुर्बत पर हमेशा रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद फख्र है कि मेरे दो बेटों को और दो बेटियों को हजरत कारी जाबिर साहब ने कुरान अजीम पढ़ाया और उनके पढ़ाने का अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह निराला ही था। जिसे उन्होंने हाफिज बना दिया तो वो कभी कुरान पाक भूलता नहीं, बल्कि उसके सीने में ऐसा हिफ्ज हो जाता है कि बस दौर करता रहे तो हमेशा कुरान पाक की दौलत उसके सीने में रहेगी। मैं अफ्रीका की सरजमीन पर गुडलैंड्स एक जगह है वहां था। अचानक रात को ईशा की नमाज के बाद अकेला बैठा था कि हाफिज़ कारी हाशिम साहब का मैसेज मुझे मिला। हकीकत यह है कि दिल पर एक ऐसी चोट लगी कि पता नहीं क्या खो गया, क्या चीज चली गई। मजबूर था, वहां से आ नहीं सकता था, फ्लाइट भी नहीं थी और मुझे 3 महीने के बाद अक्टूबर में आना था। जिस दिन से ये खबर मिली तो दिल उचाट हो गया। चलो दफन में नहीं, तीजे में नहीं, दसवीं में नहीं तो 40वें में तो शिरकत हो जाएगी। मेरा उनसे बहुत ज्यादा कुर्ब था। हजरत हाफिज कारी आबिद हुसैन साहब हाफिज़हुल्लाह जानते हैं, कभी कभी हम लोग हंसी मजाक भी करते थे, कभी रात को भी कभी दिन में साथ रहते थे। और हमारे मदरसे मरकज़ में इस्लामिया में तकरीबन 10 साल तक हजरत हाफिज कारी जाबिर हुसैन साहब ने एक अजीम खिदमत अंजाम दी और वक्त की पाबंदी और हर साल 10-12 हाफिज निकलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं कहता हूं कि अगर उनके तमाम शागिर्द यहां होते तो ये पिंडाल हुफाजी से पूर्ण हो जाता। खैर अल्लाह पाक उनकी तुर्बत पर बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और उन्हें अपने क़ुर्ब खास में जगह अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके चेहलों के प्रोग्राम में बड़ी बड़ी नायना शख्सियतें जलवागर हैं। मैं तो आपका करीबी हूं और जब चाहें मुझे बुला सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद आपको एक अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुकीमुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया का सुनना है। और माशाल्लाह हमारी जमात के नामवर खतीब हजरत मौलाना कारी हसनैन साहब भी जलवागर हैं, हमारे मामू जान मोहम्मद हसन साहब क़िबला भी जलवाबार हैं। ये सब माशाल्लाह अपने अपने वक्त के अजीम पर खतीब हैं, कोई हाफिज है, कोई आलिम है,
और माशाअल्लाह अभी आमद हुई है कारी मेराज साहब किबला, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिन्होंने पश्चिम के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह दीन का बहुत अजीम काम किया है। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सारे उलमा के नाम नहीं जानता, सबके लिए दुआ गो के मौला हजरत हाफिज कारी जाबिर हुसैन के तवस्सुल से इन तमाम उलमा के सीनों को इश्क रसूल का मदीना बना और इनकी जिंदगी बहारें आता फरमा। हजरात आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के हमारे सरदार हुजूर सरापा नूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने। देखिए उलमा की आमल अल्हम्दुलिल्लाह और हो रही है। जोर से लगाओ, इसमें लगाओ मसला के आला हजरत। नारे तकबीर हजरत अल्लामा एहसानुल हक साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा अलहाज कारी यूसुफ जमाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसाल। माशाअल्लाह, देखिए हमारे इलाके की बड़ी मायनाश शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसान साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया की भी आमद आमद हो चुकी है। उन्हीं के साथ फखरुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद यूसुफ जमाल साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अब ये इतना वक्त नहीं है कि सब लोग आपसे मुखातिब हों, सबको आप सुने। हजरात हमारे जो अजीम मेहमान हैं, मैं भी चंद मिनट में आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा और आने वाले मेहमान से ही हम सुनेंगे, क्योंकि मेहमान की तो दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाह जोर से पढ़िए मोहब्बत के साथ। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله على حضرت عظيم البركات مجدد دين ملة كنز الكرامات جبل الاستقامة معجزة من معجزات رسول الله آيات من آيات الله حضور الشاه امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور پوری قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اسیا کی کالی ہے اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اسیا کی کالی ہے اور دلِ بےکس کا اس آفت میں آقا کون والی ہے دلِ بےکس کا اس آفت میں آقا کون والی ہے حضرات محترم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر ہندوستان نور الدین منظر بریلوی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت کے تقریر کے بعد شاعر ہندوستان نور الدین منظر اسٹیج پر آ چکے ہیں فوراً پڑھیں گے پھر انشاءاللہ سید صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا اندھیری رات سے مراد حضرات قبر کی تاریکی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قبر کی تاریکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے تو دل بے چین و بے قرار ہوتا ہے حضرات دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے بڑے بڑے سورماؤں کے کلیجے قبر کی تاریکی سے دہل جاتے ہیں حضرات تو کہہ اٹھتے ہیں کہ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا اسیا کی کالی ہے اور دلے بے کس کا اس آفت میں آقا کون والی ہے جب دل بے چین ہوتا ہے تو دل کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے اور فرماتے ہیں کہ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے اور مقتے میں فرماتے ہیں کہ رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے ارے تم اس کو بے شک بے شک
सुभान अल्लाह सुभान दुनिया से जाता है तो हम उसको रो रहे हैं। हजरत घर में कोई मैयत हो जाती है, आहों के धुएं उठते हैं, सिसकियां बुलंद होती है, घर मातम कदा बन जाता है, तो आला हजरत फरमा रहे हैं कि दुनिया से जाने वाले के लिए तुम रो रहे हो। अरे तुम नहीं जानते आज कारी जाबिर गए हैं, कल को तुम्हें भी जाना है और कारी जाबिर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत वाह 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 जाने वाले के लिए तुम रो रहे हो, लेकिन ये देखो कि कल को हमें भी जाना है। जाना है कि नहीं? बड़े बड़े सूरमा इस दुनिया में आए, ताकतवर भी आए, वक्त के बादशाह और हुक्मरान, लेकिन इस दुनिया में ना कोई रहा है और ना कोई रहेगा। जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया को छोड़कर बोलो जाना है कि नहीं? अल्लाह का वली है उसे भी जाना है, हाफिज़े कुरान है उसे भी जाना है, तारीख़े कुरान है उसे भी जाना है, आलिमे दीन है उसे भी जाना है, दुनिया का बादशाह है उसे भी जाना है, सरमायादार है उसे भी जाना है, हजरत फक्र का फकीर है उसे भी जाना है। जाना तो सबको है, ये अल्लाह का अटल कानून है, रब का फैसला है। न दौलत तुम्हारी मौत से बचा सकती है, न ताकत तुम्हारी मौत से बचा सकती है, ना ओहदा तुम्हारा मौत से बचा सकता है। अगर कोई मौत ओहदे वाला अगर बच सकता था मौत से, तो बड़े बड़े बादशाह आए हैं वो बच जाते, बड़े बड़े हजरत खजानों के मालिक आए हैं वो बच जाते। तो हजरत पता ये चला, न तुम्हारी दौलत, न तुम्हारे खजाने, न तुम्हारे महल तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते। मौत तो यकीनन आना ही है, तो जब आना ही है तो हमें उसकी तैयारी भी करना चाहिए। आज मैंने खुतबाए मसनूना के बाद अल्लाह पाक के मुकद्दस कलाम की एक आयत शरीफा तिलावत की और एक मुस्तफा जाने रहमत की हदीस पढ़ी, और हमारे पास ये दो कलाम बड़ी अजमत वाले, एक अल्लाह का कलाम जो कुरान की शक्ल में मौजूद है, और एक मुस्तफा का कलाम जो हदीस की शक्ल में मौजूद है। लेकिन हम नहीं जानते कि कुरान क्या और हदीस क्या। मुस्तफा जाने रहमत की जुबान से हमें पता चला, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ये रब का कलाम कुरान पाक है और ये मेरा कलाम हदीस पाक। तो अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलव कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता है तुम कहीं भी रहो, मौत तुम्हें तलाश कर लेगी। वलव कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, वाह तुम ऊंचे ऊंचे महलों के अंदर ही क्यों ना हो। बोलो मौत तलाश कर लेगी कि नहीं? ये कुरान का अगर कोई साहब मौत से बचने के लिए अपने महल का दरवाजा बंद कर ले, सारी खिड़कियां बंद कर ले, पर्दे लगा ले कि हजरत इज़राइल को रोका जाए, मौत से बचा जाए, तो मुझे बताइए क्या ये तुम्हारे दरवाजे इज़राइल को रोक सकते हैं? ये तुम्हारी खिड़कियां इज़राइल को रोक सकती हैं? नहीं नहीं, ये कुत्ते और बिल्ली और चोर को तो रोक सकते हैं, लेकिन इज़राइल का रास्ता आज तक ना कोई रोक सका है ना कोई रोक सकेगा। सात ताले लगा लो, महल बना लो, तुम्हारे महल हजरत इज़राइल का रास्ता नहीं रोक सकते। जब मौत का वक्त आ गया और हजरत इज़राइल को परवाना मिल गया, तो फिर जगह जहां मौत लिखी है उसी जगह आना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना लश्कर एक जगह लेके जा रहे हैं, पड़ाव डाला, एक शख्स है जिसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखने के काबिल है, बड़ा परेशान है। हजरत इज़राइल अलैहि हजरत
सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगा कि अल्लाह के नबी मुझे बड़ा खौफ है, दहशत है, दिल घबरा रहा है। बोले बात क्या है? बोले आपके लश्कर में हजरत इज़राइल है और ये मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, लगता है कि मेरा वक्त आ गया। अल्लाह हजरत इज़राइल ने देख लिया तो हवा खराब। बोले घूर के देख रहे हैं। बोले चाहता क्या है? बोले चाहता ये हूं कि मुझे इनसे दूर कर दो। बोले कहां? बोले मुझे इंडिया भेज दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी हवा पर हुकूमत, जिनके बड़ा बड़ा लश्कर होता था, आपने हवा को हुक्म दिया, हवा इसे उठा और इंडिया की सरजमीन पर ले जाके रख दे। अभी ये इंडिया में उतारा ही गया कि सामने हजरत इज़राइल मौजूद। अब बड़ा परेशान, बोले वहां से आया भाग के, ये कहां से आ गया? तो ये नहीं जानता कि हजरत इज़राइल की रफ्तार ऐसी है कि वो पलक झपकने में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। और जब इज़राइल की रफ्तार ये है तो हमारे नबी अहमद मुख्तार की रफ्तार। हजरत अब इसने वहां इंडिया आया, हजरत इज़राइल ने इसकी रूह कब्ज की और फिर वहां पहुंच गए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर। अल्लाह के नबी ने पूछा कहां गए थे? बोले हुजूर अल्लाह का हुक्म ये था कि फला बंदे की रूह इंडिया में फला मकाम पर कब्ज करना है, लेकिन वो आपके लश्कर में था, आपने इंडिया पहुंचा दिया, मैंने वहां जाके उसकी रूह कब्ज कर ली। हजरात तो आना ही है मौत, मौत से कोई बच नहीं सकता। तो वो दूसरे लोग हैं जो मौत को जहमत समझते हैं, लेकिन जो मोमिन होता है वो मौत को जहमत नहीं, मौत को अल्लाह की रहमत तसव्वुर करता। मैंने अल्लाह का कलाम आपको सुनाया, मुस्तफा जाने रहमत का कलाम। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं अल मौत तुहफतुल मोमिन, ये मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है, गिफ्ट है, इनाम है, हदिया है। तो हजरात मौत से वो डरे जिसके पास ईमान ना हो, नबी की मोहब्बत ना हो, बल्कि ईमान वाला तो मौत का इंतजार करता है कि पूरी जिंदगी हो गई, मस्जिद में नमाज के बाद सलाम पढ़ते पढ़ते अब वो वक्त कब आएगा कि नबी ये पाक का जलवा सामने होगा और गुलाम नबी खड़े होकर अपने नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ेगा। तो हजरात मौत मोमिन के लिए तोहफा है, तो आप मोमिन बनो। जब मोमिन बन जाओगे तो यकीनन तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो। तोहफा किसे मिलता है? गिफ्ट किसे दिया जाता है? इनाम किसे मिलता है? जो बहुत मेहनत करता है। हमारे माशाल्लाह रईस भाई तारी साहब के छोटे भाई अपने बच्चे को इन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया और बच्चे ने भी इलाके में नाम रोशन किया। वो बच्चा भी इस दुनिया से चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। जाना तो सभी को, कुछ जल्दी चले जाते हैं, कुछ को बाद में जाना। नाम था मोहम्मद वारिस, अल्लाह पाक इसकी तुर्बत पर भी रहमत और नूर की बारिश बरसाए। तो मैं कहना चाहता हूं उस बच्चे का बड़ा नाम था, कंप्यूटर में बड़ा माहिर था वो बच्चा। तो जो बच्चा अपने क्लास में टॉप करता है तो उसके असातिज़ा पढ़ाने वाले उसे इनाम देते हैं, साल में तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, हदिये अदा किए जाते हैं। यारो रिश्तेदार
सब उसे तोहफे देते हैं तो ये तोहफे क्यों? इसने मेहनत की है, हजरत टॉप किया है, इसलिए तोहफे दिए जा रहे हैं। इसी तरह इंसान की जिंदगी है, बालिग होने के बाद जो इंसान अपनी नबी की मोहब्बत में शर्मसार होकर इबादत और रियाजत करता है, दीन की तालीम हासिल करता है, और वो जो है अपनी जिंदगी को हजरत अल्लाह के और उसके महबूब के फरमान के मुताबिक बना लेता है, और उसका सर सजदे में और दिल मुस्तफा की बारगाह में जब हमेशा झुका रहता है तो अल्लाह ऐसे ही अपने बंदे को मौत भी इनाम के तौर पे देता है, गिफ्ट के तौर पे देता है, हदीये के तौर पे देता है। हजरत और उन्हें मौत की जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होती, एहसास नहीं होता, और उनकी रूह कब्ज कर ली। बेशक बेशक बेशक। और बहुत सारे ऐसे भी हमने देखे, अफ्रीका में भी देखे हम, कि दो दो साल तक बिस्तर पर पड़े तड़पते रहते हैं, टॉयलेट पेशाब सब बिस्तर पर। अल्लाह ऐसी मौत से महफूज रखे हम सब, तड़पते रहते हैं लेकिन रूह नहीं निकलती। उनके पापों की, उनके गुनाहों की वजह से हजरत दुनिया में सदा में वो मुलव्वित हो, दुआएं मांगती हैं उनके लिए। और जब ऐसा वक्त आता है तो ये दुनियादार उलमा के पास जाते हैं, हजरत दुआ कर दी, हजरत दुआ कर दी, तो उस वक्त भी यार हाफिज नहीं काम। मामू जान हाफिज ही काम आता है, तो हाफिजों को हिकारत की नजर से मत देखना, आलिमों को हिफारत की नजर से मत देखना। आज तो अजीब मामला हो गया है, समझे? अगर मस्जिद में अल्लाह के घर में 1 बजे जमात का टाइम है और कारी आबिद साहब 1 मिनट अगर लेट हो गए, बस खैर नहीं है, मुतवल्ली साहब अलग, चौधरी साहब अलग, हाँ इमाम साहब ध्यान नहीं है नमाज का। अरे जो कौम अल्लाह के घर में 1 मिनट बर्दाश्त ना कर सके उस कौम का अल्लाह ही मालिक। मुसलमानों अपने इमामों से मोहब्बत करो, उलमा से प्यार करो। जो कौम अपने कायदीन से प्यार करती है, अपने रहबरों से प्यार करती है, तो वो कौम इस दुनिया में भी सुरखरू होती है और आखिरत भी उसकी अच्छी होती है। कारी मोहम्मद जाबिर साहब के ताल्लुक से मुझे बताया, माशाल्लाह वो काम करते थे, वो हदीस शरीफ में आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा। दुनिया में सबसे अच्छा काम, दुनिया में सबसे अच्छी तिजारत, दुनिया में सबसे अच्छा मशगला, दुनिया में सबसे अच्छा काम अगर अल्लाह और रसूल के नजदीक बंदे का है तो वो कुरान पाक को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। तुम तिजारतों में डंडी मारते हो और क्या क्या करते हो सब मैं जानता हूं, समझे? अल्लाह महफूज रखे, डंडी मारने से बचो, और उन उलमा पे उंगलियां उठाते हो जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तुम अपने घर में चैन की नींद सोते हो, अगर कहीं शब खून मारा जाता है, तुम्हारी मस्जिदों पर कब्जे होते हैं, तुम्हारे मदारिस पर नजरें बद उठती है, तो कौन मैदान में आता है? हजरत मैदान में अगर कोई आता है तो कोई आलिम ही आता है, कोई हाफिज ही मैदान में आता है। हजरत जिसे फिक्र होती है अगर उससे कुछ नहीं बनता तो रात की तारीकी में तुम्हारे लिए दुआएं जरूर करता है कि मौला हमारी मस्जिद की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम खामोश हो लेकिन आज पूरी दुनिया के हालात जो है बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। हजरत हमें मिटाने के लिए नित नए मंसूबे रोज बन रहे हैं, और हजरत अल्लाह ना करे आगे 5 साल फिर इन बातों को मिल गए तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। उससे पहले तुम कम से कम मोमिन बन जाओ। हमारे पास कोई और सहारा नहीं, मादी ताकत नहीं, असला हमारे पास नहीं, फौज से मुकाबला करने की हिम्मत हमारे पास नहीं, बस हमारे पास एक ही हथियार है, वो है हमारे अमल की दौलत। सच्चे मोमिन बन जाओ, और फिर रात की तारीकी में जब दुनिया सोती हो
तू अपने मौला को मनाने के लिए कसम खुदा की अपने हाथों को उठा दो, तुम्हारी दुआ यकीनन बाबे इजाबत से टकराएगी और फिर इस दुनिया का हजरत मुहतरम नक्शा बदलेगा, इनकलाब आएगा। और जिस तरह शान के साथ तुम पहले हुक्मरान थे, इसी तरह फिर तुम्हारी हुक्मरानी वापस अल्लाह पर जाएगी, उसके खदानों में कोई कमी नहीं। समझे? आज हमारा इलाका तो तालीम याफ्ता कहा जाता है। अभी की रिपोर्ट ये है मीडिया की कि मुसलमानों की 8 लाख लड़कियां हिंदुस्तान में गैरों से दोस्ती करके मंदिरों में जाके तिलक लगा के फेरे फिरवा के काफिरा हो चुकी हैं। समझे? कहां सोए हुए हो तुम? कब तक सोते रहोगे? अगर तुम्हें अपनी बहन बेटियों की इज्जत और इस्मत को बचाना है फिर तुम्हें जो है इस्लाम की तालीम देना होगा। नबी की बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी जो आज किताब में हमारे सामने है वो जिंदगी देना होगी, वो किताब तुम्हें देना होगी सीरत फातिमा, तभी बच सकती है हमारी बेटियां, वरना ये साजिश हो रही है। तुम भूले हुए उनके बड़े बड़े जो है पाठशाला और धर्मशाला खुले हुए हैं और वहां नौजवान लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सुभानअल्लाह कैफ हाल। इस तरह की अरबी में सलाम कलाम करने की नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है और वो फेसबुक जो मीडिया आजकल चल रहा है ना, इस फेसबुक पे चैटिंग होती है, दोस्ती होती है, और जब वो लड़का इस्लामी तरीके से सलाम कलाम करता है तो हमारी बेटी उसके दामे मकरूह में फंस जाती है, और जब दोस्ती बहुत आगे निकल जाती है तो वो कहता है कि इस्लाम तो बहुत बुरा मजहब है, इसमें तलाक है, इसमें हलाला है, इसमें लड़कियों को पर्दे में रखा जाता है, कैद रखा जाता है। अरे इस्लाम से अच्छा तो कोई मजहब है ही नहीं। अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। तो हजरात मोहतरम ये सब चल रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब वो लड़की हजरात मुकम्मल तौर पर फंस जाती है तो फिर बाप कहता है बेटी मेरी लाज रख ले। वो हजरात मोहतरम फिर बात आगे बढ़ जाती है, ना वो बाप की मानती है ना वो माँ की मानती है, और फिर वो अपना मुंह काला जा करके कर लेती है। तो तुम अपनी बेटियों को बचाओ, वो बचाने का एक ही हथियार है कि दीनी तालीम दे दो, इस्लामी तालीम दे दो, नबी ये पाक की बेटी फातिमा की जिंदगी दे दो। जब नबी की बेटी का किरदार उनकी जिंदगी में आ जाएगा तो कभी भी हजरात वो बहक नहीं सकती। जो लड़का ये काम करता है उसे 6 लाख का चेक उस वक्त दिया जाता है, उसके लिए घर दिया जाता है, और फिर साल 6 महीने बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं, और साल 6 महीने गुजरने के बाद फिर उसके करतूतों की उसे सजा मिलती है, या तो उसकी लाश किसी रेल की पटरी पर कटी हुई मिलती है, या किसी जो है हजरत वीराने में पड़ी हुई कुत्ते खाते हुए दिखाई देते हैं। ओए मेरी मिल्लत की बेटियों, तुम्हें जो है इस्लाम जैसा प्यारा मजहब मिला है, तुम सब कुछ गवारा कर लेना लेकिन इस्लाम को मत छोड़ना। हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने बला की वादी में हजरत जो किरदार पेश किया था उस किरदार को अपना लो। अल्लाह तुम मुजाहिदा हो जाओगी, वक्त की वलिया बन जाओगी। अल्लाह पाक हमारे मौलाना साहब ने यहाँ भी एक मदरसा खोला है लड़कियों का, हजरत उन्होंने आज मुझसे सुबह बताया, अल्लाह पाक उसे तरक्की अता फरमाए, जगह जगह लड़कियों को पढ़ाओ और पर्दे के माहौल में पढ़ाओ, जहां मर्द पढ़ाने वाले हों वहां लड़की को पढ़ने के लिए मत भेजो। इस बारे में किसी पर एतमाद मत करो, जहां लड़कियां ही पढ़ाने वाली हो और लड़कियां ही पढ़ने वाली हो वहीं मत अपनी बच्चियों को भेजो। समझे? हजरत एक बहुत बड़े इमाम का कौल है, इंशाअल्लाह फिर बताऊंगा, वक्त मिलेगा तो आधा घंटा हो गया शायद मुझे बोलते हुए, तो सिर्फ ये कहना है कि कारी जाबिर साहब बहुत अच्छा काम करते थे, कुरान पढ़ते थे और पढ़ाते थे, इसी में उन्हें मजा आता। और मैंने एक बार कारी साहब से कहा, मैंने कहा आज मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। कारी जाबिर
बोले लो कैसे लोग। तो मैंने कुरान लिया हाथ में, मैंने क्या मैं जगह जगह से काट काट कर तुमसे पूछूंगा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक लफ्ज बताता था कि यहां से पढ़ो, तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अपनी नजर में मैंने कोई पक्का हाफिज याददाश्त वाला नहीं देखा, और इतना अच्छा कवायद के साथ ठहर कर पढ़ने वाला। और जब वो दुनिया से गए, मुझे हाफिज हाशिम साहब ने बताया, जो हमारे रतनपुर में है, हाफिज हाशिम सूफी हाशिम, उन्होंने बताया कि उनका सर मेरी गोद में रखा हुआ था मगरिब के बाद, और एक गुलाम नबी लतीफी हमारी रतनपुर के हैं, वो हजरत के पैरों को थोड़ा दबा रहे थे, और मैं सूरह यासीन यानी कुरान पढ़ रहा था, तो कारी जाबिर साहब की जुबान पर भी कुरान पाक की तिलावत थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान से मोहब्बत करता है तो कुरान पाक की मोहब्बत ही में वो कुरान की तिलावत करता हुआ दुनिया से जाता है, और जब कब्र से उठेगा तब भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठे रहें आप हजरात, बैठे रहें, सैयद साहब आ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठे बैठे जवाब दें, सैयद साहब इधर ही आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान सैयद मुकीम उर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठे रहें, उलमा इस्तकबाल करेंगे। आप बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत जल्द वक्त भी काफ़ी हो रहा है, बहुत जल्द सैयद साहब क़िबला का खिताब होगा। तो उनकी याद को कायम रखें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने दो बेटों को छोड़ा है जो हाफिज़ कुरान है। जिस तरह आप कारी जाबिर साहब से मोहब्बत करते थे, इसी तरह उनकी औलाद से मोहब्बत करें। जिस तरह वो तुम्हारे काम आते थे, इसी तरह ये भी इंशाअल्लाह तुम्हारे काम आएंगे। अब मैं इनके अल्फाज के साथ एक शेर कह के कि उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये दो दिन की उजाली है। दुनिया के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आपके पास एक ही हथियार है कि तुम मोमिन बनो। मोमिन जिस दिन बन जाओगे तो तुम्हारी दुआओं में असर पैदा हो जाएगा। अकले हलाल कमाओ और अपने बच्चों को खिलाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआओं में तासीर पैदा होगी। अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल फरमाए। सैयद साहब की आमद हो चुकी है, अल्लाह हम सब पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाए। कारी जाबिर साहब को कब्र में करवट करवट सुकून चैन अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।